कि कितना पैसा कमा लेते हो। इंडिया में तो बहुत हम लोगों को पता है कि कोई औरतें ट्रक वालों को हाथ देते हो फटाक से बैठा लेते हैं, तो आपका भी कुछ ऐसा है? आपका कितना खर्चा आया था? जैसे मान लो आप एक दिन घर से निकले तो आप कितने दिन बाद घर जाते हो? आपको वो लिमिट कितनी है कि आपको सोना ही सोना है? सस्पेंड भी हो सकता है लाइसेंस आपका? हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे, की हाल चाल? तो भैया देखो, अपने को पता है हमने बहुत बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली और काफ़ी लोगों के मैसेज कमेंट्स वगैरह आ भी रहे थे कि भैया मरमरा तो नहीं गए, निपट तो नहीं गए। तो चक्कर ऐसा था कि यार इधर ना घर मिलने का ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखा है, घर नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग को घर मूव करना था। तो इसी के चक्कर में हम लोग घर ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से, मैं और एच के बीट्स मिल के ढूंढ रहे थे कि हम लोग को कोई बड़ा घर मिल जाए और साथ में मिल जाए, तो वो मिला नहीं, छोटा मिला। उसके भी वीडियो आएगा थोड़े दिन में, ठीक है। और आज हम लोग आए हैं ट्रक का वीडियो बनाने, ट्रक के बारे में बताने, क्योंकि जेसी ब्लॉग भाई हैं जो गुरदीप सिंह, वो चलाते हैं ट्रक। हवा आ गई, रुक यही साफ करा। तो भैया ऐसा है, सिस्टम होता है इससे, मैं तो हिंदी बोल दूं ना, लोगों को समझता आवे, तो इससे हवा मारनी होती है। ओए, मैं अपनी गड्डी भी साफ कर ला, पैर नहीं रखना। ले ओ, गलत महंगा पैर है वीडियो बनाना। कहां पंजाब में फंस गई हूं मैं, यूपी की मतवाली। कहां पंजाब में फंस गई हूं मैं, यूपी की मतवाली। आ रख ला। रोज सुबह का सीन ऐसा होता है कि जो भी ट्रकीज होते हैं मोस्टली वो सुबह उठ के अपने ट्रक की साफ सफाई करते हैं, क्योंकि रात को वहीं सोते हैं, तो वहीं पे थोड़ा बहुत टिश्यूज वगैरह और गंदगी वगैरह होती रहती है, क्योंकि बार बार ऊपर चढ़ना उतरना होता है, तो गंदे होते हैं मैट्स, तो इनके अंदर प्रेशर वाला सीन भी है, वो हवा मारता है, उससे सारा कुछ साफ हो जाता है, हवा वो चल रही है। तो अभी हम लोग ट्रक के अंदर चढ़ेंगे, ट्रक काफी ऊंचा है तो इसके ऊपर चढ़ना है और अंदर जाके आराम से वीडियो बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे क्या कुछ होता है और कितना पैसा, सबसे बड़ा मेन बात होती है पैसा कितना कमाता है ट्रक ड्राइवर। तो हमने अपनी वो गैट्स भी ट्रक वाली लाइन में लगाई है। वैसे ट्रक काफी लंबे होते हैं, भाई ने वो ट्रेलर उतारे हुए हैं, वैसे वो जैसे वो खड़ा है ना, उससे भी भाई का तो काफी बड़ा है, दो वो छोटा है अपनी बड़ा है, इससे बड़ा है शायद इसका, अपने को पता नहीं है, बट काफी लंबा है ट्रक ट्रेलर। भाई का जो ट्रक है वो है मर्सिडीज ब्रांड का। हाँ जी भैया, तो ये है जीसी व्लॉग गुरदीप सिंह वीर जी, ठीक है। इनका पहले यूट्यूब चैनल था और बाद में छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। तो अभी इनका इंस्टाग्राम है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये इनका ट्रक है, तो इसके बारे में आज वीडियो बनने वाली है, तो आप अपने बारे में कुछ बताएं और फिर चालू करें। सत श्री अकाल जी सारे, की हाल चाल है? पुराना डायलॉग इंटीरियर दिखाते ट्रक का, तो हमें आप बताएं गुरदीप सिंह जी क्या कुछ है। हाँ जी दसो, सारा आप वहाँ से स्टार्ट करें, वहाँ पे क्या क्या फीचर है आपके पास? ओहो, पीछे भी होती है सारा कुछ है। ओके, ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਬੀ ਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪੁਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਆ। अपना एसी जड़ा जगा लिया, किन्ने टेंपरेचर करना, रात चौबी तो किता ठंडी, ठीक है। इतने आप आटो ला देना याद सारे उत्ते ठाँदा रहे, जो ऑप्शन आता है ऑपरेशन आ जो ऑपरेशन आ चीज आप उदो लाने जो आप ढाल से जाने ढाल से जो हिल से ट्रक खिलोदा हिल से ट्रक पिछे ना जाए ट्राला
ਟਰਾਲਾ ਉੱਚਾ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਾਟ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਲੋਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਟਰਾਲਾ ਹੁੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਆ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਏਅਰ ਬੈਗ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਹਮਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਤਾਏ ਇਸਮੇ ਮਤਲਬ ਹੀਟਰ ਵੀ ਹੈ ਏਸੀ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ और इसमें ये सीट गर्म होती है आपकी हाँ जी, okay. सीट में क्या क्या फीचर्स हैं आपके सीट दे विच आ लाइक ओह अच्छा ये चीज फूल जाती है ऐसा क्यों है ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਮੋਟੇ ਪਤਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮਸਾਜ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਆਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਮਸਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਪਤਲੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਗੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਤੋ ਅਬ ਆਪ ਹਮਕੋ ਬਤਾਏ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਪ ਲਾਇਆ ਵਾ ਅੱਛਾ ਆਪਨੇ ਖੁਦ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿਤਨੇ ਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਆਪਨੇ ਇਹ इस मैप से और गूगल मैप में क्या फर्क है ये ट्रक वाला मैप ਹੁੰਦਾ गूगल मैप ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਹਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਓਕੇ ਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਪਕਾ ਟਰਕ ਵਹੀਂ ਸੇ ਇਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਓਕੇ ਔਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਡੰਡੂ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾ ਹਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਟਰਕ ਚਲਾਉਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਕੀ ਸੀਟ अच्छा वो डिटेक्ट करता है आपकी आंखें बंद तो नहीं है चलते ट्रक में वो 24 घंटे ऑन रहता है अपने आप जब ट्रक चलता है ले हो गया चार्ज हो गया मैं लगता है यार अच्छा थले एनएफसी दूसरी चीज होती है ट्रांसफर ली होता ओके तो ये क्या चीज है इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक इसके बिना ट्रक नहीं चलेगा ये मेन है लॉग बुक तो ये हमको भरनी नहीं आती भैया को भरनी आती है अगर आप जब ट्रक चलाना सीखेंगे तो आपको ये सारी चीजें बताई जाती है पहले से और गलती नहीं करनी इसके चक्कर में चलान बहुत लंबे आते हैं ना आपका कितना मैक्स चलाना है आज तक मेरा 4-4.5 तक ओके अच्छा रात को जब आपने सोना ओके ओके ये क्या चीज है ओके और ये क्या चीज है खुला नहीं भैया अच्छा थोड़ा खुलता है बट थोड़ा धीरे खुलता है अच्छा उन्हें दब के रखना पैंदा वा ओके ए नहीं गा कि एक ही बटन दब तो हो गया ओके अच्छा इन्हें ही खुलता ओके फिर का है सनरूफ सनरूफ खाली हवा लेने और ये अपना एसी है ओके अच्छा उसको पुश करना है वो बंद हो जाता जैसे गाड़ी में था ओह नाइस ते आ अपना एसी है ठीक है जरा वापस सोना हां ये ट्रक बंद ते भी चल रहा वा है बंद ये बंद आ सही है अच्छा मतलब चलले ट्रक ते नहीं चलू है चलले ट्रक ते चला सकदे आपा लाल अपने चलले ट्रक से आ अपना है लोड नहीं पेंदी आ जो ट्रक बंद हुंदा ओदों आ चलदा कितने घंटे चल जाता है अगर आपका ट्रक बंद हो बैटरी बूटरी अनलिमिटेड बेड गुद्देदार है आराम से ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮੈਟਰਸ ਘੈਂਟ ਆ ਓਕੇ ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰੇਜ ਆ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ ਆ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਬਰ ਪੂਰੀ ਜੰਮੀ ਹੈ ਦੀਦੀ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਟਰੱਕ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਫ ਬਰਫ ਜਮਾਉਂਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਫ੍ਰਿਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਉਂਦਾ ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰੇਜ ਆ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਚਲਤਾ ਫਿਰਤਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ मतलब आराम से रह सकता है बंदा ट्रक में अभी स्टोरेज आओ फिर स्टोरेज आ छोटे छोटे स्टोरेज आ भी वो तो ओके ले यार सही है मतलब पर 10 पेज है हां लाइटिंग वगैरह इसे चाहिए
अच्छा तो अब आप बैठे हैं, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपका पेट बड़ा लग रहा है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आप खाने पीने का क्या करते हो? जैसे मान लो आप जैसे ये पेट्रोल पंप है, ऐसे पंप बने होते हैं यहाँ पे रुकना होता है? इतने बने होते हैं, अपन अपना वेस्टर्न ही खाना मिलता। ओके, अपना देसी नहीं मिलता, देसी ढाबे ढूबे नहीं है, जिदा रोड से ढाबा हो गया, ढाबा वो ढाबा, ऐसा कोई ढाबा नहीं है। थोड़ा लाउड बोले, उसको बंद कर दी जाए। बिल्कुल, इतना तो पता है सरदार जी। मैं कह बस अपन इतने खान पीन का जगाड़ ये होंगे वा कि अपन ढाबे नहीं मिलते, जिवें मैं कैनेडा च भी एक दो बाई दी वीडियो वेखी, उत्थे ढाबे होंगे आ। ओके, इतने वेस्टर्न खाना अपन खाना पैदा, जिदा बर्गर हो गया, हम मैं वेजी हाँ, मैं सिर्फ मैं वेजी बर्गर ही खाना या कोई वेजी चीज सैंडविच खा लिया या कुछ होर खा लिया, तो ज्यादा हैवी खाना नहीं खाई जो आप ट्रक चलाने क्योंकि वो नींद आती है। ओके, तो वेजी ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे अगर मान लो कोई आता है भैया तो वो कहाँ पे रुक के खा सकता है? जहाँ तक की वेजी ऑप्शन जेड़ा वेजी बर्गर है वो तो हर एक पंप ते मिल जाता। ओके, पंप ते मिल जाता है, बट अगर हंगरी जैक्स की बात करें तो हंगरी जैक्स में ही मिलता है। तो इधर जैसे तीन बड़ी फ्रेंचाइजीज है, मान लो जैसे हम इंडिया में भी होता है कि KFC हो गया, मैकडी हो गया और हंगरी जैक्स हो गया इधर, ठीक है? पहले मैकडी पे भी वेजी बर्गर आता था, अभी इन लोगों ने बंद कर दिया, तो अभी आपको हंगरी जैक्स पे ही मिलता है बस। तो आप अपने घर से भी खाना पैक करवा के ला सकते हैं? रोटी आप घरों जरूर पैक करके लाने, दो या तीन दिन चल जाती है। okay. अपना जो होता है वीकली ट्रिप होता। ओके, जैसे मान लो आप एक दिन घर से निकले तो आप कितने दिन बाद घर जाते हो? मैं जिदा लाइक जे मैं संडे नु निकलिया संडे मॉर्निंग, मैं फ्राइडे शाम घर चल जाना, मतलब पांच दिन काम करता। जे मंडे मॉर्निंग निकलिया फिर सैटरडे घर चल जाना। मैं इदा काम करना, एक वीक करना 6 दिन काम, एक वीक करना 5 दिन काम। ओके, तो जैसे मान लो आप अपने वहां से चलते हो तो जैसे 5 दिन में कितने चक्कर लगा लेते हो इधर उधर के? लाइक जैसे आप एडलेड रहते हो, इदा डिपेंड होंदा वा। एक तो पहली गल तो लोडा दे उत्ते केड़ा लोड मिल रहा, किदा मिल रहा हूं। जिदा मैं रात आया, मैं आ वीक च पहला मैं तुरया एडिलेड तो सिडनी, सिडनी तो एडिलेड, एडिलेड तो ब्रिस्बेन। ओके, जैसे मान लो ये आप इतना घूमते हो तो आपको वो लिमिट कितनी है कि आपको सोना ही सोना है उतना? लिमिट ये है कि मैं एक दिन दे विच 14 घंटे ड्राइव करनी है। ओके, 7 घंटे ब्रेक, 10 घंटे ब्रेक लेनी है, जिदे विचों 3 ब्रेक मैं ले सकदा वा, कोई 15 मिनट दी, कोई अद्धे घंटे दी, कोई घंटे दी। ओके, मेन घंटे दी ब्रेक होंदी आ। ओके, वो मैं कंटीन्यूअसली लेनी है, 7 घंटे मैं ब्रेक ट्रक खड़ा करना है, 7 घंटे ट्रक नहीं खलाना। ओके, मतलब वो जो 14 घंटे उसमें भी आप ब्रेक ले सकते हो, 14 घंटे से कम चला लो बट ज्यादा नहीं चलाना है। ज्यादा नहीं। ओके, अगर ज्यादा चलाओगे तो पुलिस आपको पकड़ के ठोक देगी। जी आप 15 मिनट बाद चलाने $1400 फाइन है, तो यह हिसाब ला ला 15 मिनट के हिसाब से $1400 ओके बढ़ता जाता है। जिदा आप सोच आप कई अपने दिमाग से आता कि अपनी पेपर लॉग बुक आप इतने घोल माल कर लेंगे, इतने लाइक कैमरे लगे आ, टी कैमरे 100 किलोमीटर बाद 200 किलोमीटर बाद वो सारी रेज वगैरा चेक करते रहते हैं। ओके, जे उन्होंने लगे कुछ गड़बड़ करता तो वह सीधा ही मतलब अपने घर पता लग जाता, तो जे ती लॉग बुक ढड़ी चेक हो सुते कि होर हो ट्रक ब्रेक कितने होर जाके कड़ी आड़ी लॉग बुक चेक हो फिर तुम वो कैमरे ना सारा चेक कर लेंगे फिर तुम फाइन मिलता। ओके, सस्पेंड भी हो सकता है लाइसेंस आपका? स्टेट अवे उससे वाले कैंची ना कर देंगे लाइसेंस। अच्छा, अगर ऐसा कुछ तुमने किया? तो आप नहाने धोने का क्या करते हो? पंप देते हुंदा, शावर होंदे आ। ओके, शावर आप उत्थे ले सकदे आ। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट होंदे आ शावर। ओके, मतलब वो उसका पैसा नहीं देना। और एक चीज ये है कि जैसे मान लो आप एक हफ्ता बाहर रहते हो घर से, ठीक है, तो आपका कितना खर्चा आया था? जैसे मान लो आप 6 दिन बाहर हो, आपके खाने पीने का और इधर उधर का? एक ते खाना पीना अपने उते डिपेंड होंदा कि तुसी की खा रहे हो की नहीं खा रहे हो। मैक्स बताओ आप। मैक्स ते एक दिन दा तुसी ला के चलो $50। ओके, मैक्स मतलब $50 का खा सकता बंदा। हाँ। ओके, और कुछ तो करना होता नहीं क्योंकि ट्रक में रहना पूरा दिन, ट्रक ही रहना। ओके ओके, जैसे इंडिया में होता है कि अगर आपको कोई रास्ते में हाथ देता तो आप रोक के बैठा लेते हो ट्रक वाले, इधर बैठा सकते हो आप किसी को ऐसे? इधर बाहर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर नहीं सकते। लाल लाल है जा कुछ है नहीं, आज तक होया नहीं किसी ने हाथ देता भी। ओके, मतलब ऐसे फ्री वे पे कोई हाथ नहीं देता ऐसे? क्योंकि इंडिया में तो बहुत हम लोगों को पता है कि कोई औरतें ट्रक वालों को हाथ देते हो फटाक से बैठा लेते हैं, तो आपका भी कुछ ऐसा है? नहीं नहीं, शर्मा रहे हो कुछ तो है।
आप कंडक्टर ना साथ में रख सकते हो, क्लीनर क्लूनर जो होता है यार, फिर उन्हें पे करना पड़ेगा ना। ओके, तो आप खुद ही करते हो अपने साफ सफाई? तो सब सबसे पहले सुबह उठ के आपने साफ सफाई करनी होती है। ओके, रात नु तो बंदा थक्या होंदा, लाइक ज्यादातर ये होंदा ना कि पनू शाम नु लोड मिलदा, रात सारी चलाना होंदा, ते जाके सवेरे अपन उथे ट्राले देने होंदे, उन्हें डिलीवरी करानी होंदी है। ओके, और जो हां हां बोलो बोलो, ओदा फिर दिने सोना होंदा। इससे नीचे होती है जैसे मान लो रस्ते में कई लोग टायर पिंचर हो गया, कुछ हो गया, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? अच्छा, मतलब हर एक ट्रक कंपनी का कहीं ना कहीं अकाउंट है, तो खुद आके करके जाते सब कुछ? दोनों साइड होता है ये क्या गोची है? एड ब्लू ऐसा क्या है, मतलब दो टैंक है ना। अच्छा, ज्यादा दूर चले? अच्छा, इतना बड़ा चलाते है ये, इतना बड़ा ट्राला भैया का? तो ऐसे जो नॉर्मल ट्रक है ये विकलांग टाइप का लगता है कि कुछ इसका उतरा उतरा है, बट वैसे नॉर्मल वैसे होते हैं वो ट्राले चढ़े हुए। तो आपके ट्राले कहाँ है भैया? ट्राले वो डिलीवरी कराने है भाई, मैंने पिकअप करा के देंगे। अच्छा, तो आपने कुछ नहीं उतरवाना, जिस आपने ट्रक चलाना है ऐसे, आपको आपने इसे जोड़ना है और भाग जाना है? जितना लाइक कितने कितने कराना पैंदा? ओके, एडिलेड में कराना, बाकी ना ब्रिस्बेन कराना ना मेलबर्न ना सिडनी। अच्छा, तो चलो एड ब्लू पैंदा? एड ब्लू मतलब एड ब्लू ये होता कि ये जड़ा अपना वो बनता ना पोल्यूशन, अच्छा तो अब बताओ पैसे का क्या सीन है, कि कितना पैसा कमा लेते हो? है कितना पैसा बनता है? अरे नहीं, कुछ सिस्टम तो होगा ना भाई, जो कितने से कितना बनता है? तुम नहीं वही से वैसे होता लाइक एदा 40-45 सेंट या 50 सेंट तो शुरू होता काम। अच्छा, जिला एक्सपीरियंस पर लीटर? पर लीटर पर किलोमीटर? ओ सॉरी, पर किलोमीटर, मतलब 48 सेंट या 50 सेंट? 50 सेंट ला ला। चल 50 सेंट पर किलोमीटर मिलेंगे जितना भी तुम चलाओगे। हाँ। घंटे का नहीं होता इसमें, तो पैसा मिल जाता है टाइम से? पैसा मारते तो नहीं ट्रक वाले, क्योंकि हमने सुना है साडी कंपनी से तो आज तक बहुत सारे। तुम थोड़ा तेज बोलो, ऊपर चढ़ के बोलो, नहीं तो तुम। हाँ जी, हाँ तो पैसा तो नहीं मारते ट्रक वाले? नहीं नहीं, पैसा पूरा कोई नहीं। कहो गयो मैं चप्पल उतना है? हाँ मेरी उतरवा दी, देखो भैया जी ने, वाला का कोई चक्कर नहीं, अपनी खुद चढ़ा के आए हैं। तो जी हम तो ट्रक चलाएंगे, उधर भी बिना चप्पल चलाएंगा क्या? तो पैसा कोई नहीं मारता इधर। तो जैसे मान लो बड़ा ट्रक चलाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस? कौन सा होता है? पहला अपना कार दा लाइसेंस बनदा। ओके, कार तो बाद ट्रक दा बनदा। कितने साल आपको होल्ड करना पड़ता है कार का? कार दा जे तुहाडा इंडिया तो 3 साल पुराना कार दा लाइसेंस है ना। हां, ते 3 तो लेके 4 साल पुराना, फिर तुसी जदों इत्थे आउंदे जो तुहाडा ओदे ही कार दा बन के उस वेले HR दा बन जांदा। ओके, HR क्या है? HR हुंदा वा हैवी रिजिड। हां, मतलब वो कितना बड़ा ट्रक चला सकते हैं? पीछे दो लाइक दो एक्सल हुंदे आ, मतलब छोटा ट्रक। हां छोटा ट्रक, ओदे विच पीछे दो एक्सल। हां समझ गया मैं, मतलब कोल्स वाला या वुलीज वाले ट्रक हुंदे ना, वो तो बड़ा छोटा हो गया ना, वो तो आपा कार लाइसेंस से चला सकते हैं। ओके, मैं चल कोई नहीं फोटो पा दूं हुंदा अपना, समझ गया। हां उसके बाद जेड़ा MR हुंदा वो 9 टन हुंदा, HR हुंदा वो 16 टन हुंदा। ओके, 16 टन तक वो भार ले सकता। ओके, आपका कौन सा? मेरा वा भी मैं चलो ना, इन्हें आप प्राइम ऊबर कहने हैं। प्राइम ऊबर? मूबर। मूबर, अच्छा प्राइम ऊबर। तो ये पिछले जो आप एक ट्राला पा लीए फिर वो सैमी बन जाता HC, जो आप दो ट्राले पा लेने उदो VDL बन जाता, दो तो बाद आप 3 ट्राले पा सकते हैं, पिछले 4 ट्राले भी पा सकते हैं।
तो तुम्हारा एचसी है? मेरा एमसी है। एमसी है, एमसी का, ओके ठीक है। और कितना खर्चा आता है लाइसेंस बनवाने पे? लाइसेंस बनवाने देते खर्चा ये होता कि पहला ते आके अपना कार दा बनदा, कार दे बनन तो बाद फिर अपना एचआर दा बनदा, फिर एमसी दा बन जांदा 1 साल तो बाद। ओके, 1 साल होल्ड करने के बाद वही मतलब ओना दी जेडी फीस हुंदी आ वो कुछ ज्यादा नहीं हुंदी, जेडी आपा बाहरो जिद्दां बनाउने आ ट्रेनिंग ट्रूनिंग लेनी पड़ती है, पैसे ज्यादा। ओके ओके ठीक है, तो कोई भी चला सकता है, लड़का लड़की कोई भी चला सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो आपको कोई ड्रेस वगैरह भी दी जाती है कि ऐसे ही कुछ भी पहन के चले चलो? मैं ड्रेस वगैरह अपन लाइक काम वाले कपड़े पोने होते हैं। अच्छा, कंपनी दी कोई ऑफिशियल ड्रेस कड्डी नहीं है। ओके, ते बड़ी कंपनी है जी, मैं ट्रक चलाना है, उनदे 80 ट्रक है। ओके, 130 ट्रॉले है। ओके, देसी बंदे अपने। ओके, तो पे आपको वीकली मिलती है कि फोर्टनाइट मिलती है? फोर्टनाइट होता है 14 दिन 15 दिन जो भी। ठीक है, तो काफी लोग अभी वीडियो देखने के बाद पूछेंगे कि ट्रक का वीजा लगता है आपका ट्रक का वीजा लगा है? नहीं नहीं, ट्रक का कोई वीजा नहीं लगता। हाँ, तो आपको नॉर्मल आपके वीजा होते हैं, उसके बाद आप ट्रक चला सकते हो? तो जैसे हम लोग स्टूडेंट वीजे पे होते तब चला सकते हैं, बट 20 घंटे का चक्कर है, 20 घंटे से ज्यादा चला नहीं पाओगे। जैसे हम लोग अभी चलो मान लो 40 घंटे हुए पड़े हैं, बट वैसे नॉर्मल 20 घंटे होते हैं ना, तो 20 घंटे में तो आप मेलबर्न में जा पाओगे, फिर उधर से उबर पकड़ के जाना पड़ेगा घर। आपको कितने घंटे लगते हैं एडिलेड से मेलबर्न के ट्रक पे? 8 घंटे। और एडिलेड से सिडनी के? 8.5 ला लो, एडिलेड तो सिडनी से लगते हैं आप 15.5 घंटे, 15 घंटे, 15.5-15। तो काफी चीजें आप लोगों की क्लियर हुई होंगी ट्रक ड्राइवर वाली जॉब को लेके। ठीक है, तो हाँ, जॉब कैसे ढूंढनी है वाली, ये तो बताओ। जॉब इस टाइम पे बहुत जॉब आने, तो मतलब वो ये भी देखते आपका पुराना रिकॉर्ड कि आपने कैसे ट्रक चलाए, वो रिकॉर्ड चेक होता है तो अपनी ड्राइविंग रिकॉर्ड सारा कुछ जानता है A to Z। ओके ओके, चलो ठीक है, तो काफी कुछ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और भैया भी बनाएंगे एक और ब्लॉग जो पूरा कहाँ से सामान उठाते हैं, कैसे उठाते हैं, क्या कुछ है, तो वो आपको थोड़े दिन में मिल जाएगा ना, इस वीडियो के तो काफी दिन बाद आ ही जाएगा। हाँ। कोई चक्कर नहीं, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, तुम इन्ना सपोर्ट किया, वो लग गल तुम चप्पल लवाते साडिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। चंगा फिर, थैंक यू वीरे, गुड नाइट, बाय, लव यू, बाय।